नमस्कार, एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेटावर्स के एक छोटे से कॉइन मेटा हीरो कॉइन के बारे में। दोस्तों, काफ़ी लोगों ने यहाँ पे कमेंट करके कहा था कि सर हमें मेटा हीरो कॉइन के बारे में बताइए। अब दोस्तों, मेटा हीरो कॉइन के बारे में हम आज के इस वीडियो में बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये कॉइन आज से समथिंग दिसंबर, यानी कि जो लास्ट दिसंबर गए, इस दिसंबर के स्टार्टिंग में इस कॉइन ने समथिंग 20 रुपये का अपना ऑल टाइम हाई है वो क्रिएट किया था। और फ्रेंड्स, वहाँ से अभी देखें तो हम कंटिन्यू गिरता हुआ ये कॉइन अपने ऑल टाइम हाई से 99.20% डाउन हो चुका है। अब दोस्तों, यहाँ पे जो इनके होल्डर्स हैं वो भी परेशान है, और जो इस कॉइन में इन्वेस्टमेंट करने चाह रहे हैं वो भी यहाँ पे अभी डर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो मेटा हीरो के होल्डर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, और जो इस कॉइन में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं क्या उनके लिए एक बिग न्यू अपॉर्चुनिटी है, या फिर ये यहाँ से बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, हम जिस टोकन के बारे में बात करने जा रहे हैं, इस टोकन का नेम आप यहाँ पे देख सकते हो, मेटा हीरो, और शॉर्ट नेम है इस कॉइन का हीरो। अभी अगर हम इस कॉइन के करंट रैंक की बात करें तो 728 नंबर रैंक पे ट्रेड कर रहे हैं, और आप यहाँ पर देखोगे तो समथिंग 4 लाख लोगों ने अपनी वॉच लिस्ट में इस कॉइन को ऐड किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हो ये कॉइन कितना ज़्यादा पॉपुलर है, और अभी ये कॉइन मात्र 17 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, और इस कॉइन में आज आपको समथिंग 12% से ज़्यादा की जो गिरावट है वो हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम इस कॉइन के 1 ईयर के हाई और लो की बात करें तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इस कॉइन का जो 1 ईयर का हाई है वो समथिंग 3 दिसंबर को क्रिएट किया था 20 रुपये 34 पैसे, और ऑल टाइम लो है वो अब से कुछ ही देर पहले, समथिंग अब से 8 घंटे पहले ही यहाँ पे क्रिएट किया गया है समथिंग 16 पैसे के आसपास। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम इस कॉइन की बात करें अभी ट्रेडिंग वॉल्यूम की, तो फ्रेंड्स ट्रेडिंग वॉल्यूम भी हमें काफ़ी डाउन में देखने को मिल रही है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस कॉइन ने समथिंग 3 दिसंबर को 20 रुपये 34 पैसे का अपना हाई है वो क्रिएट किया था, और फ्रेंड्स यहाँ पे अपना ऑल टाइम लो है वो अब से कुछ ही देर पहले समथिंग 11 घंटे पहले यहाँ पे इस कॉइन ने क्रिएट किया है। यहाँ पे आप इस कॉइन की जो मैक्सिमम सप्लाई है वो देख सकते हो। इसके बाद में फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि ये कॉइन कहाँ कहाँ पे लिस्टेड है, अगर आप इस कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो फ्रेंड्स आपको बता दूँ कि ये कॉइन अभी काफ़ी एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है, जो कि काफ़ी पॉपुलर एक्सचेंजेस पर लिस्टेड, जैसे कि कुकॉइन है, gate.io है, crypto.com एक्सचेंज है, बायबिट है, इसके बाद में coin.dcx है। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है। अगर हम इंडियन एक्सचेंज की बात करें फ्रेंड्स, तो ये आपको जो सन क्रिप्टो एक्सचेंज है वहाँ पे लिस्टेड मिल जाएगा। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि ये कॉइन आखिरकार इतना डाउन में क्यों गया। तो दोस्तों, सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि अभी अगर हम देखें तो आप देख सकते हो कि ऑल ओवर क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट है वो ही काफ़ी डाउन में है। आप जितने भी एल्ट कॉइन देखोगे तो दोस्तों आपको लगभग एल्ट कॉइन में आपको 90-95% की जो गिरावट है वो देखने को मिलेगी। और अगर हम ऑल ओवर क्रिप्टो करेंसी के मार्केट कैप की बात करें तो फ्रेंड्स आज समथिंग 7 से 8 महीने पहले ऑल ओवर क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट कैप है वो 230 ट्रिलियन प्लस ट्रेड कर रहा था, और अगर आप अभी देखोगे तो मात्र 74 ट्रिलियन रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, समथिंग 70% से ज़्यादा की जो गिरावट है वो हो चुकी है। इसके बाद में फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो कि ये कॉइन था, ये एक मेटावर्स प्रोजेक्ट था। अब दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो मेटावर्स प्रोजेक्ट है वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ है। दोस्तों, इसका ताज़ा उदाहरण है वो मैं आपको बताऊं कि अभी फेसबुक ने अपना जो स्टेटमेंट जारी किया था, जिसमें आप सभी को पता होगा कि फेसबुक भी अब से कुछ टाइम पहले, अब से समथिंग 1-1.5 साल पहले मेटावर्स प्रोजेक्ट में इंटर हुआ था। अब दोस्तों, मेटावर्स में प्रोजेक्ट में इंटर होने के बाद में फेसबुक को $71 बिलियन का जो नुकसान हुआ है, तो फ्रेंड्स ये एक इफ़ेक्ट भी थोड़ा बहुत हो सकता है। इसके बाद में फ्रेंड्स, अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें जाना होगा इनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखोगे तो इन्होंने 9 सितंबर के समथिंग एक ट्वीट किया था, जिसमें आप देखोगे तो यहाँ पे
इनका क्या था कि जो इनकी वेबसाइट है और ऐप है, इनके डोनिम को लेकर कुछ लफड़ा है जो कि अभी कोर्ट केस हुआ था वगैरह वगैरह हुआ था। और दोस्तों यहाँ पे उसके बाद में इजीली जो इनको वो उनकी वेबसाइट और ऐप है वो इनको हैंडओवर कर दिए गए। तो फ्रेंड्स ये एक थोड़ा सा रीज़न था जिसकी वजह से ये कॉइन गिरा है। और दोस्तों यहाँ पर अगर लेकिन अभी भी हम देखें तो ये कॉइन कंटिन्यू यहाँ पर गिर रहा है। अब दोस्तों अगर आप इस कॉइन के होल्डर हो तो फ्रेंड्स आप इस कॉइन में चाहो तो अगर हम देखें तो मैक्सिमम आपका लॉस है वो हो चुका है। अब चाहो तो आप इस कॉइन को थोड़ा बहुत एवरेज करने की कोशिश कर सकते हो अगर आप न्यू इस कॉइन में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो। फ्रेंड्स अभी आपके पास एक अच्छा खासा मौका हो सकता है क्योंकि एक बहुत ही जो मतलब देख सकते हैं हम 20 रुपये पर ट्रेड कर रहा है कॉइन, मात्र 16-17 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप इंटर हो सकते हो और आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट है वो ये कॉइन यहाँ से दे सकता है अगर कि मार्केट में और इस कॉइन्स में वापस बाउंस बैक आता है तो। लेकिन दोस्तों अगर आप इस कॉइन में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो एक बार अपना खुद का रिसर्च और एनालिसिस ज़रूर कर लेना, आप अपनी खुद की रिस्क पर ही इस कॉइन में इन्वेस्टमेंट करें। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।